हेलो यूट्यूब, आप देखते हैं क्लासिक स्टोर और तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मैं इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू और अनबॉक्स करेंगे मैक्स प्रो 4K स्ट्रीमिंग सपोर्टेड एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आप मैक्स जानते हैं कि बहुत पुराना ब्रांड है सेटेलाइट रिसीविंग इक्विपमेंट में, जो कि एक रजिस्टर्ड फॉरेन ब्रांड है। तो ये जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स आपके सामने पड़ा हुआ है, तो ये उस ऑथेंटिक रजिस्टर्ड ब्रांड का नहीं है, बल्कि उसका तो डेफिनेटली आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, चाहे वो मैक्स मिडल ईस्ट को विज़िट करें या जो इंटरनेशनल की वेबसाइट है उनके अपने स्ट्रीमिंग एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस हैं। तो इस ये ओरिजिनल मैक्स कंपनी का नहीं है, ठीक है, एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। हाँ, और ना ही ये लोकल कोई एंड्रॉयड बॉक्स है कि जो, मतलब जो पाकिस्तान वगैरह में बना हुआ है या लो क्वालिटी का है, वो ये ऑथेंटिक चाइना का बना हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, लोकल नहीं, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल ह्यूमैक्स कंपनी का भी नहीं, क्योंकि उसका जो लोगो है वो चेंज है ओरिजिनली। एनी हाउ, ब्रांडिंग की जाती है, प्रोडक्ट कई नामों से बेची जाती है, तो इसका नाम ह्यूमैक्स प्रो है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है 128 GB रोम और 8 GB रैम, तो इसकी ओरिजिनली जो इंस्टॉल्ड रैम है वो 2 GB है। आम अगर आप मार्केट में देखें तो बहुत से बॉक्सेज हैं इनके ऊपर 2 GB लिखा होता है, लेकिन होती 1 GB है। तो इसकी ओरिजिनली जो इंस्टॉल्ड रैम है 100% 2 GB है। उसके अलावा इसका जो रोम है, जो रीड ओनली मेमोरी है, वो 32 GB की, ठीक है। उसके अलावा इसके जो मेन और इम्पोर्टेंट फीचर हैं वो ये हैं कि इसमें बिल्ट इन वाईफाई है और बिल्ट इन ब्लूटूथ है, और उसमें वैरायटी ऑफ जो रिमोट कंट्रोल हैं, मिसाल के तौर पे जो वॉइस इस वाले आ रहे हैं रिमोट कंट्रोल, या आपको आपका जीरो टाइप रिमोट कंट्रोल है जिसमें कीबोर्ड भी होता है और वॉइस भी, तो वो भी आप इसके साथ कंपेटेबल हैं, आप इसकी कोडिंग करके वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर जैसा कि मेंशन किया हुआ है कि एंड्रॉयड 16.1 है, तो 16.1 तो नहीं, खैर इसमें एंड्रॉयड 9 है, ठीक है। लेकिन एनी हाउ, इस बॉक्स की क्वालिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू लोकल बॉक्सेस या 1 GB वाले बॉक्सेस के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है, और ये बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। तो चलें अब हम बॉक्स को इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स ऐसे में रख लेते हैं, बाद में अनरैप करते हैं। सबसे पहले हमें एक अदद HDMI केबल मिल जाती है। उसके अलावा ये इसका रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल इसका थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि उसमें गूगल प्ले और क्रोम और यूट्यूब और नेटफ्लिक्स की बिल्ट इन की मिल जाती है, तो जब भी आप ये की प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली ये ऐप खुल जाएगी। इसके अलावा ये कुछ काफ़ी छोटा सा और यूनिक स्लीक डिज़ाइन है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल का। उसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का हमें पावर अडाप्टर मिल जाता है, ठीक है, और एक अदद हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्टेड यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इस बॉक्स को फर्स्ट टाइम पावर ऑन कर सकते हैं और LED के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसे अनरैप कर लेते हैं। सो ये डिवाइस का टॉप है काफ़ी अच्छा, ब्यूटीफुल क्राफ्टेड टॉप है। उसके अलावा साइड पे इसका मैक एड्रेस की यूज़ करके इसकी सील बनाई हुई है। अगर आप इसके फ्रंट की बात करें तो बहुत से बॉक्सेस आजकल आते हैं जिसके फ्रंट पे कोई LED 7 सेगमेंट टाइप डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि इसके फ्रंट पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले बिल्कुल मौजूद है। अगर आप इसके राइट साइड पर बात करें तो एक स्लॉट दी हुई है मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर ऑफ USB पोर्ट दिए हुए हैं, और उसके बैक साइड पे एक ऑडियो केबल के लिए पोर्ट दिया हुआ है, एक SPDIF, मतलब आप अगर डॉल्बी वॉइस के लिए सराउंड साउंड सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको एक ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट और एक पोर्ट इसका पावर अडाप्टर लगाने के लिए, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड क्लियर है, और बॉटम में वेंटिलेशन की स्लॉट दी हुई, ठीक है। सो
एनी हाउ ये डिवाइस की लुक है और इसके बेसिक फीचर हैं, तो वेट के लिहाज से भी कोई ये नहीं कि इसके अंदर कोई मेटल वगैरह की कोई चीज़ लगाई गई है, तो लेकिन वेट भी इसका एज़ कम्पेयर टू लोकल बॉक्सेस के अच्छा है। तो एनी हाउ इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो 1 GB जो लोकल हैं ब्रांडेड नहीं उनके मुकाबले में तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और काफ़ी चल रहा है ये बॉक्स। तो चलें अब हम इस बॉक्स को ऑन करके देख लेते हैं कि इसका यूज़र इंटरफेरेंस किस तरह का है और उसमें क्या बेसिक फीचर हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस बॉक्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इजीली ऑल ओवर पाकिस्तान इस बॉक्स को मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और क्लासिक स्टोर देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।